यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कसौली के बहुचर्चित महिला टीसीपी अधिकारी मर्डर केस में 20 घंटे बाद भी पुलिस जंगलों की खाक छान रही है, जबकि आरोपी का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। बुधवार को महिला अधिकारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला के IGMC अस्पताल में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उधर हादसे के बाद से ही महिला अधिकारी के परिजन सदमे में हैं। महिला के भाई का कहना है कि उनकी बहन ने अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाया है और महिला के भाई मदनकांत शर्मा ने बताया कि हिमाचल में ये पहली घटना हुई है और भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो इसे लेकर सोचना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में पुलिस PRO कुशाल शर्मा का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन में एक डॉग स्क्वाड और नो कमांडो की टीम को शामिल किया गया है। इस पारिवारिक जो सदस्य हैं इस वक्त सदमे में हैं, जिनकी मौत हुई वो अपना कर्तव्य उच्चतम न्यायालय के आदेश से विभागीय निर्देशों के अनुसार अपना जो कर्तव्य है वो पूरी निष्ठा से निभा रही थी। मेरी तो छोटी बहन थी, बल्कि कल सुबह भी बात हुई और क्योंकि मैं भी संबंधित विभाग से ही हूँ तो मेरी भी उच्च अधिकारियों से बराबर इस विषय में बात होती रही है, परंतु अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बाकी पुलिस विभाग कार्यवाही कर रहा है, अब इस बारे में पारिवारिक सदस्य अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा बात करें।